बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, सच्चे मालिक को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है तथा भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने दासी पुत्र भक्त विदुर जी की भक्ति व प्रेम से प्रसन्न होकर राजा दुर्योधन के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट राजसी पकवानों को त्याग कर विदुर जी के घर का बिना नमक साग खाना सहर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक के समय यज्ञ रचाया तो वहाँ भी श्री भगवान ने नीच जाति के श्वपच मुनि की भक्ति को प्रधानता प्रदान की। धर्मराज ने सब बड़े बड़े ऋषियों मुनियों योगियों और तपस्वियों को अपने यज्ञ में निमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराकर संतुष्ट किया। परंतु जब तक श्वपच मुनि नहीं आए, जब तक वे भोजन करके संतुष्ट नहीं हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा भी नहीं बच सका। इन सब उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि मालिक के दरबार में केवल भक्ति को ही प्रिय माना जाता है तथा मालिक के चित्त में भक्ति के प्रति ही सम्मान की भावना है। इसीलिए संत पलटू साहिब जी का कथन है कि ऊंची जाति का अभिमान कोई भूल कर भी ना करे, क्योंकि मालिक तो एकमात्र सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है गुरुमुखो कि भक्ति मार्ग में एकमात्र सच्ची श्रद्धा तथा हृदय के सात्विक भाव को महत्व दिया जाता है। सांसारिक बातों पदार्थों अथवा भौतिक गुणों की वहाँ कोई महत्ता नहीं है। भक्ति धारा लेखनी से नहीं बह सकती, वह बुद्धि धन एवं जाति का विषय नहीं है, वह तो हृदय की पवित्रता और निर्मलता में है। वास्तविक पवित्रता तो प्रभु नाम में ही है और उसी के द्वारा मनुष्य अपने हृदय को पावन कर सकता है। जैसे कहा गया है कि बिना भक्ति क्या होत है, काशी करवत लेह, मिटे नहीं मन बासना, बहुविधि भरम संदेह। अर्थात भक्ति के बिना मन के अनेक प्रकार के संदेह भ्रम तथा वासनाएं नहीं मिट सकती, ना ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चाहे कोई काशी में जाकर करवत पर प्राण क्यों न त्याग दे, रूह या आत्मा तो केवल नाम के सुमिरन व भक्ति से ही पावन होती है। संसार में आकर जो जीव प्रभु भक्ति एवं नाम की कमाई करता है और
सांसारिक कष्टों से ना घबराता हुआ भक्ति पथ पर पग बढ़ाता चला जाता है। उसका नाम संसार में सदा सर्वदा के लिए भक्ति का ज्वलंत प्रमाण बनकर चमकता रहता है। प्रभु की भक्ति व प्रेम का द्वार तो प्रत्येक उत्तम नीच सब प्राणियों के लिए खुला है। राजा रंक ऊंच नीच लघु श्रेष्ठ जो कोई भी हो इसमें बिना रोक टोक के प्रविष्ट कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।